Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों को ये मेरा गंद नज़र आ रहा होगा, बस गंद इतना नहीं है। नीचे मेरे कुछ बैग्स कलेक्शन पड़ी हुई हैं, कुछ मेकअप कलेक्शन है एंड देन कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि हरीम की वजह से बंद पड़े हैं। इन्हीं को आज हम ऑर्गेनाइज करें। जी हाँ, तो यहाँ पर एक बास्केट है जो कि मैंने 100 रुपीज़ की ली थी संडे मार्केट से। इसमें मेरे पास एसटी का मॉइस्चराइज़र क्रीम है, बी क्यूट का लूज पाउडर है। फोकस हो गया, अच्छा ठीक है। फिर मेरे पास 24K प्राइमर है गोल्ड, देन सेटिंग स्प्रे है, देन फिर मेरे पास मॉइस्चराइज़र क्लिनजिंग मिल्क है, गोल्डन पल की मेरे पास मेकअप रिमूवर है और ये फेस वॉश है जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है। बस वो भागते जा रही है वीडियो और मैं साथ मिल नहीं पा रही। जूड़ा पिंस थी मेरे पास एंड ये लिक्विड हाइलाइटर जो कि मैंने बनाया था, आपको दिखाया भी होगा मेरी पहली वीडियो में। नेल पॉलिश रिमूवर, जूड़ा पिंस एंड लैश ग्लू वगैरह फ्ला एंड देन मेरी मेडिसन्स जो कि मैंने साइड पे रखी। इनको हम अब सेट करते हैं। फिक्सिंग स्प्रे आ जाएगी एंड सारी बॉटल्स वगैरह जितनी हैं वो आ जाएंगी। देन फिर मेरे पास ये क्रिस्टाइन का शिमर है और उसके ऊपर ये ब्रश भी लगा हुआ है, बहुत ही मज़े का। देन हाइलाइटर्स हैं जो है, इसमें मैं अपने जो पैम्परिंग चीज़ें हैं वो रखूँगी और हाइलाइटर्स रखूँगी। पॉन्ड्स का सन ब्लॉक है एंड ये हाइलाइटर पैलेट। देन फिर ये कुछ पैलेट्स हैं, ये कौन सी है, फॉर एवर ब्यूटी फेस की है जो कि इंस्टा के पेज से मंगवाई थी। ये भी उसी पेज से हुदा बेबी की मंगवाई मैंने। ये टीवी पार्लर की पैलेट है। ये ग्लिटर प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं ब्यूटी के, 12 ग्लिटर्स हैं इसमें। एंड फिर मेरे पास ये फेस पाउडर है, लोकल है लेकिन बहुत ही मज़े का था। ये बी क्यूट का फाउंडेशन है, मिस रोज की स्टिक है, ट्यूब पेंट स्टिक है। क्रिस्टाइन की मेरे पास फाउंडेशन है, मिस रोज का कंसीलर है एंड कंसीलर पैलेट है। एंड छोटी सी स्मोकी पैलेट है, ये जो ग्रीन वाली कवर की जो मेरे पास डिब्बी है ये मैं यूज़ करूँगी, तब आपको बताऊँगी ये क्या है। और ये छोटी सी और पैलेट है मेरे पास बहुत ही मज़े की। एंड कुछ स्पंज एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो कि बहुत ही गंदे हो चुके हैं। ये क्या है, जो लोग इस्तेमाल करते होंगे उनको पता है। हुदा बेबी की पैलेट को हम बंद करके अंदर रखेंगे। फिर फॉर एवर की पैलेट जो कि इंस्टा के एक पेज से मंगवाई थी, ऐसी टूटी हुई मुझे रिसीव हुई थी। चलो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने कहा था हम वापस करवा देते, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर ये रिवाज के फाउंडेशन पैलेट ब्लशन पैलेट है मेरे पास। ये कंटोरिंग पैलेट है जो कि एक काफ़ी ख़त्म हो चुका है कलर। ये फेस पाउडर बहुत ही अमेजिंग है, मुझे इसके साथ कल बाद में नहीं मिला, लोकल है। ग्लैमरस फेस पाउडर है मेरे पास, देन छोटी छोटी सी आई शेडो पैलेट्स हैं, इनको सेट किया। ये छोटू सा एक और ब्लशन है मेरे पास। फिर ये एक कुछ बैग्स हैं जिनमें मैं मेकअप रखती थी, लेकिन एक बिल्कुल खाली कर दिया है जो कि मेरे हेयर ड्रायर का था और दूसरे में कुछ है। और ये लिपस्टिक बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स मैंने 100 रुपीज़ के लिए हैं, 50-50 के एक था। एक बॉक्स में लिपस्टिक पड़ी हैं और दूसरे में नेल पॉलिश थी। मेरा दिल कर रहा है कि इनको मैं निकाल के बड़े बॉक्स में शिफ्ट कर दूँ अच्छे से, उसमें बिखर जाती हैं, समझ नहीं आती कौन सी लिपस्टिक है। ये ब्लीच है जो कि पता नहीं कब की पड़ी हुई है, मैंने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की। ये मॉर्फी की ब्रॉ जेल एंड आई लाइनर है। ये शिमर्स हैं, प्रेस ग्लिटर्स हैं जो कि शिमर वाली बास्केट में मैंने रख दी। फिर इस जो बॉक्स खाली हो गए, इसमें मैं अपने फाउंडेशंस रखूँगी, क्रिस्टाइन का। फिर मैंने ढक्कन बंद करके देखा कि बंद हो रहा है। फिर बी क्यूट्स के फाउंडेशन, मिस रोज के कंसीलर एंड वो। फिर ये क्रिस्टाइन का कंसीलर है, ये भी क्रिस्टाइन के कंसीलर और कंटोरिंग है जिनकी पहचान ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। एंड कुछ फाउंडेशंस एंड ब्लेंडर्स जो हैं वो भी मैं इसी में रख रही हूँ, ब्लेंडर्स जो कि साफ़ करने वाले हैं बहुत गंदे हुए में। फिर ये नेक थ्री के जो ब्रशेज़ हैं और उसमें लैश एप्लीकेटर है, कुछ लैश ग्लू भी इसी में रख रही हूँ क्योंकि मुझसे गुम हो जाती हैं। और बॉबी ब्राउन के ब्रशेज हैं। देन फिर हम इस बास्केट को सेट कर लेते हैं। कुछ आई पेंसिल्स हैं और कुछ लिप पेंसिल्स हैं जिनको अब हम सेट करेंगे। ये आई पेंसिल है मोटी वाली, ये मेरे पास 3 कलर्स हैं इसमें, एक ब्लू है, दूसरा ये भी है ब्लैक एंड ग्रीन, एंड उसमें
ये एक गोल्डन और एक सिल्वर कलर, तीन कलर्स हैं मेरे पास इस मोटी वाली में। देन फिर ये टू इन वन है, एक तरफ आई थिंक आई शेडो लगा सकते हैं और दूसरी तरफ से आप आई लाइनर लगा सकते हैं। ये भी थ्री शेड हैं इसमें, सिल्वर, ब्लू एंड गोल्डन। इनको हम सेट कर लेंगे मिड वाले पार्ट में। देन फिर ये ग्लोज हैं मेरे पास, कुछ ब्लशन के हैं, ब्लोइश के हैं, कुछ रिवाज के हैं, ज़्यादातर हुडा के हैं एंड कुछ बी क्यूट के हैं, कुछ छोटे छोटे से हैं जो कि लोकल हैं। एंड एक ब्लू मस्कारा है बाकी। और मेरे पास ये अनस्ताजिया के ब्रशेज हैं, कुछ वैसे फ्लैट ब्रश है, बॉबी ब्राउन का मस्कारा ब्रश है। तो ये सेट हो चुका है। फिर जो नेल पॉलिश वाला बॉक्स था उसमें मैं आईलाइनर्स रखूंगी। एक्वा के आईलाइनर्स हैं, काजल दो हैं, फिर ग्रीन ग्लिटर वाला एंड गोल्डन ग्लिटर वाला आईलाइनर एंड लिप बाम है, नेल पॉलिश रिमूवर, आईलैशेस, मिरर, छोटू सा मिरर और ये बिखर गया सारा कुछ। और हरीम पीछे से चीज़ें छेड़ रही है मेरी, अभी पूछेगी मामा ये क्या है, मामा ये क्या है। ये हैंड क्रीम्स। फिर एक और पैलेट मुझे मिल गई जो कि फुल ही ग्लिटरी पैलेट है, बहुत ही मज़े की, और एक छोटी सी और पैलेट।